हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा स्टॉर्म एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन अपने आप ही टच होने लगता है, यानी कि ऑटो टच करने लगता है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड सिस्टम अपडेट पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं, इन सभी ऐप्स को रीसेट करना है, यानी कि इन सभी ऐप का डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप अपने मोबाइल फोन की किसी भी ऐप को उंगली से आप दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, ये वाला। इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है, इसे टैप करना है, या फिर सर्कल के अंदर ये जो आई बटन है इसे टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज आएगा। इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना पहले तो क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, इसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज का टैप करना है, तो आपका ये पेज आएगा डिलीट ऐप डेटा का, इसे ओके करना है। आपका नीचे यूजर डेटा और ये कैच, इन दोनों के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपके फोन में जो ऐप आपके अपडेट नहीं है, उन सभी को अपडेट करना है। कैसे? देखिए, आप अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करिए। प्ले स्टोर के अंदर राइट साइड के टॉप पर ये प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है। आपका ना ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको ये मैनेज ऐप पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये अपडेट अवेलेबल के नीचे अगर सी डिटेल का ये ऑप्शन दिखाई देता है, तो इसे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इस पेज में आपके मोबाइल फोन के वो सभी ऐप दिखाई देते हैं जो अपडेट नहीं होते, इन सभी को है ना अपडेट ऑल पे टैप करके अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा, इसमें रिस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिस्टार्ट करने से ही होता है। हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रिस्टार्ट करने से। अगला काम यह करना है कि आपके फोन का जो टेम्पर कार्ड होता है ना, जो स्क्रीन के ऊपर आप चढ़वाते हैं, इसे आपको एक बार चेंज कर लेना है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम यह करना है मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे रीसेट ऑप्शन टैप करना है। रीसेट ऑप्शन पर टैप करेंगे, अगले पेज में आपको ये डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे, इससे आपके फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन ऑटो टच कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है।